Hey guys, welcome back to my channel. तो guys, आपको पता है आज यहाँ पे इतनी गर्मी थी कि दिल ही नहीं किया व्लॉग बनाने का. तो सुबह से हम ऐसे ही बोर हो रहे हैं. तो अभी जैसे कि शाम हो चुकी है तो हम सोच रहे हैं आगे व्लॉग. मैंने सोचा कि मुझे एकदम से याद आया भाई इस गर्मी को तो देखना ही है पर व्लॉग भी तो बनाना है. तो मुझे लगा कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं आसपास, क्योंकि आज मार्केट जो है यहाँ पे संडे है और संडे को जो होता है वो होता है क्या होता है सेल लगती है यहाँ पे. तो संडे की सेल देखने का भाई बिल्कुल मूड नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत है और इतनी ठीक है. तो आज हम जाएंगे पीरखो. पीरखो में शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पे चलते हैं. मैंने कहा चलो मत्था भी टेक लेते हैं, नवरात्रे भी लगे हैं तो जा आते हैं. और आप सब भी रेडी हो जाइए, मैं भी रेडी हो जाती हूँ और फिर चलते हैं. तो अभी यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं मंदिर. एंड लेट्स सी कि वो मंदिर कैसा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उस मंदिर. और मासी बोल रहे हैं कि वहाँ पे 100 स्टेयर्स चलनी पड़ेंगी. तो मैंने इनको बोला कि हम उतर स्टेयर्स से जाएंगे लेकिन वापस में हम प्लेन रोड से आएंगे, क्योंकि भाई चढ़ाई इतनी नहीं चढ़ी जाएगी. तो चलिए चलते हैं आपको लेके भोलेनाथ जी के मंदिर. तो अभी यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं मंदिर. एंड लेट्स सी कि वो मंदिर कैसा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उस मंदिर. और मासी बोल रहे हैं कि वहाँ पे 100 स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी. तो मैंने इनको बोला कि हम उतर स्टेयर्स से जाएंगे लेकिन वापस में हम प्लेन रोड से आएंगे, क्योंकि भाई चढ़ाई इतनी नहीं चढ़ी जाएगी. तो चलिए चलते हैं आपको लेके भोलेनाथ जी के मंदिर. गाइज अभी थोड़ा मौसम ठीक हो चुका है, जैसे दिन में बहुत गर्मी थी तो बाहर निकलने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं किया, बट अभी थोड़ी गर्मी कम हो चुकी है तो मज़ा आ रहा है अभी वॉक करने का. और ऐसे तो भाई बुरा हाल है यहाँ पे गर्मी से, बंदा निकल नहीं सकता. आपको कैसा फील होता है जम्मू में रह के? गाइज तो अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास. ओ यार ये मंदिर मुझे सपने में देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस मंदिर को मैंने कसम से इस टाइप का. गाइस ऐसा लग रहा है मैंने ये सपने में देखा है मंदिर, पता नहीं क्यों मुझे फील आ रही है. तभी मेरे पास स्टॉल नहीं था, मैं भूल गई थी लाना, इसलिए मैंने हैंकी डाल दिया सिर पे. गाइज तो जब मैं मंदिर गई ना, मंदिर में जाके ऐसे आनंद मिला ना बाय गॉड से, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब बर्फ वाले एरिया में आ गए. इतना ठंडा और इतनी सुंदर शिवलिंग थी. और यहाँ पे कुछ है कि भोलेनाथ ने 100 साल तक तपस्या की थी, फिर वो प्रकट हुए थे इस जगह पे. और मतलब अंदर ऐसे लग रहा था ठंडा. और यहाँ पे कुछ अमरनाथ से भी रिलेटेड स्टोरी है तो ऐसा लग रहा जैसे सच में अमरनाथ ही ना आ गए हो, इतना ठंडा फील हो रहा था. तो बहुत ही अच्छा व्यू था गाइस अंदर का, पर अंदर कैमराज अलाउड नहीं था तो मैं इतना बता नहीं पाई, पर आप यहाँ से बाकी व्यू देख सकते हो, बहुत सही है. यहाँ पर भांग भी लगी हुई है और यहाँ पे शिवरात्रि में घोटा बनाते होंगे इससे पक्का, क्योंकि जो हमारे वहाँ पे मंदिर है घंजर महादेव का मंदिर है वहाँ भी भांग का घोटा बनाते हैं. इधर तो पता नहीं बनाते कि बनाते हैं. अच्छा ग्राउंड तो है आपका. हाँ गाइस बताओ जम्मू गाँव है कि नहीं? देखो हमने जम्मू के लिए कितनी चिड़ होती है और जब हिमाचल आएंगे तो हमारा हिमाचल लगाया. हिमाचल ठीक है. और गाइज इसके अंदर जाके बहुत ठंडा फील हो. और ये मंदिर कहाँ पे है मासी? ये पीरखो में है. पीरखो में है तो जो भी कभी जम्मू आते हैं तो पीरखो में ये मंदिर है शिव जी का. मैं अभी आपको सही में बोल रही हूँ अंदर का व्यू नहीं बता पाई, लेकिन अंदर जब आप जा रहे हो इतना मज़ा आ रहा था, मेरा मन तो करता वहीं पर बैठ जाओ ठंडा. और सच में बाहर से जो ये मैंने लुक देखी ना मंदिर की, ये मैंने लुक अपने ना सपने में देखी थी,
गाइस, तो सच में मैंने ये सपने में अपने देखी थी व्यू, अंदर वाला तो नहीं देखा था, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन बाहर से जो इसका व्यू है ना, वो पूरा मुझे अपने सपने में दिखा था पहले। और मैं मतलब पहले तभी तो मैंने जैसे ये देखा, मैंने कहा यार ये मैंने कहीं देखा है, फिर मुझे याद आया यार मैंने सपने में ज़रूर सपने में देखा था ऐसा मंदिर एक। और आज मुझे भोलेनाथ ने बुला भी लिया, फिर फैन जो ही भोलेनाथ की। तो गाइस अब हम गोलगप्पे खाते हैं। अब मासी मैं आपको नहीं खिला रही हूँ क्योंकि मैं फिर से फ्री के गोलगप्पे खा रही हूँ, मासी खिला तो अब मासी हमें गोलगप्पे खिलाएंगे, इनको खिलाने हाँ ठीक है, आप लोग भी आ सकते हो, इनवाइटेड हो, खा लेना आप सब भी। गाइस देखिए ये न्यू स्टाइल गोलगप्पे खाने का, इसमें पानी लीक नहीं होता है? ना 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 पानी नहीं डालते, पहले पानी रखते इधर। अच्छा टेस्ट करने के लिए, वाह यार हमारे गोलगप्पे वाले ऐसे नहीं होते हैं, वो बोलते सीधा खाओ वो कभी नहीं बोलते टेस्ट करो सीधा। अगर पसंद ना आए तो पसंद है तो खट्टा खट्टा ही होगा ना, पी लिया यहाँ का स्टाइल सही है यार। नहीं कोरोना के बाद इसमें देते हो, पहले से इसमें देते हो? पहले। अच्छा मासी बोल रहे मत खा, फ्री के नहीं खिला रहे, पैसे देने पड़ेंगे, 10 के 5 देने। हाँ 10 के 5, हमारे वहाँ पे 10 के 3 मिलते हैं धर्मशाला में, इधर भी दिए देते हैं भोलेनाथ के नाम का, जय भोलेनाथ। गाइस यहाँ पे देखिए गोलगप्पे भी सस्ते मिलते हैं, इनके पास जरूर खाना आना। चीयर्स। यार तू मत हीरो बनियो, ये इसको कैसे डरा रहे हैं, डॉग फाइट तो देखी थी आज, डॉग का फाइट भी देख ली, उसको ऐसे भगाया जा रहा है, वो देखो वो अपनी मम्मी के पास चला गया। आया मासा जिमू, गाइस मुझे मेरी जिमी की याद आ रही है और मेरी सॉफ्टी की भी, हाँ भगवान ने मेरी सॉफ्टी को इतनी जल्दी क्यों ले लिया मुझसे, बोलूं मैं तुम्हारे को, बोल रहे लोग कैसे हो नानी जी, ठीक हूं मैं, आप कैसे हो, उनको बोलो ठीक है, ये देख रहे हो आप कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मुझे, इतनी देख लो ये मासी के बारे में बोल रहे, मेरे बारे में नहीं बोल रहे, कहाँ से कहाँ का मतलब है कि घर से उठा के यहाँ मंदिर तक, मेरे को लग रहा है ये वाला रास्ता भी बाहर ही निकलता होगा पर पता नहीं है, ऐसे ही चल, अरे भगवान यहाँ पे इतने स्ट्रीट डॉग्स है ना, रुको यार गाइस देखिए कितना अंधेरा हो चुका है और इनको अपनी पड़ी रहती है और यहाँ से पीछे से एकदम से स्ट्रीट डॉग आ जा रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या करें, ओ देखिए इनसे एक बॉटल नहीं संभाली जा रही और मासी बॉटल उठाओ ये वो वाली बात आ गई, मैं झुकेगा नहीं साला, देखिए गाइस ये वो ही बात कर रहे हैं, फिर मैं झुकेगा नहीं, ये अपने आप को पुष्पा बने हुए हैं बुरे आ रहे इन लोगों के बड़ी मम्मी 3-4 बार बॉटल गिरा दी, गाइस मैं आपको बॉटल का हाल बताती हूँ, ये बॉटल टूट चुकी है बुरे हाल है ये,
ये हाल है, बोल रहे मैं झुकेगा नहीं सारा। तो गाइज देखिए यहाँ पे तो मुझे बहुत मज़ा आया ना, बहुत शांति मिली आ जाके, वाओ। तो मैं आगे और भी व्लॉग्स लाने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली आज बहुत गर्मी थी तो मैं इस गर्मी में बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अभी शाम के टाइम मौसम थोड़ा ठीक होता है तो मैं आ गई थी और मैंने ट्राई किया आपको कुछ नया दिखाने का जम्मू में। पर ये बहुत सही मंदिर है, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि आप ज़रूर आएँ। और यहाँ पर शिवरात्रि का मेला भी लगता है तो बहुत बड़ा लगता है, मैंने सुना है ऐसा, और आप ज़रूर आएँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और आगे कंटिन्यू करेंगे हम आपके साथ कल का व्लॉग। और देखने के लिए देखते रहिए जम्मू डायरीज़।